मैं उसकी जिंदगी और जब तक मेरे पास रहेगी मैं अच्छे से रखूंगा भैया उसे। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से हाथ जोड़कर ये महिला अपने बंदर के बच्चे के लिए रो रही है और गुहार लगा रही है कि उनके बिछड़े हुए बंदर के बच्चे को वापस उसके परिवार से मिला देना चाहिए। इन लोगों ने बताया कि करीब 3 महीने पहले इस बच्चे को ये लेकर आए थे, तभी से वह उनके यहाँ परिवार के सदस्य की तरह रह रहा था और बंदर के उस बच्चे को अपने बेटे की तरह ही पाल रही थी। इनकी बेटी अभिलाषा के साथ ही वह खाना खाता, सोता और साथ घूमता था। ये सभी लोग ग्रेटर नोएडा के अल्फा 2 की झुग्गियों में रहते हैं और कबाड़ा बीन कर अपना पालन पोषण करते हैं, साथ ही उसी में उस बंदर के बच्चे का भी पोषण करते थे। उन्होंने उसका नाम भवानी रखा था, लेकिन शायद किसी को इनका जानवर से प्रेम पसंद नहीं आया और उन्होंने वन विभाग और पुलिस से इसकी शिकायत कर दी। इसके बाद देर शाम झुग्गियों में पुलिस और वन विभाग की टीम पहुंची और इन लोगों से जबरन भवानी को छीन कर ले गई। ये पूरा परिवार हाथ जोड़कर उन लोगों से गुहार लगाते रहे, रोते रहे, बिलखते रहे और रो रो कर बेहोश भी हो गए, लेकिन वन विभाग की टीम पर कोई असर नहीं पड़ा और वो बंदर को अपने साथ ले गए। 2 महीने हो गए भैया। कहाँ से मिला था बच्चा वो? नहीं नहीं, बच्चा कहाँ मिला था आपको? वो ये बंदर वाला बच्चा जो मिला था वो कहाँ से मिला था? लिया था मेरी बेटी ने किसी पे से, मैं तो मंडी से आई थी, मुझे भी पता नहीं मेरी बेटी ने उसको लिया है। अब पुलिस जब आई यहाँ पे, वो उन लोगों ने क्या बताया आपको? ये बेटी है तुम्हारी? हाँ, उन्होंने ये बताया कि ये वन विभाग वाले इनको दे दो, देने पड़ेगी नहीं तो मैं जेल भेज देंगे। नहीं तो मतलब वन विभाग वाले किस किस शिकायत पे आए थे ये बताया उन्होंने कुछ? ये पालना अलाउ नहीं है। वो बच्चा हमारे बगैर रह नहीं सकता, हम उसको साथ में सुबाते हैं, साथ में रखते हैं उसको। साथ ही कितना टाइम हो गया बच्चे को अपने साथ लिए हुए? 2 महीने हो गए भैया। आप उसको खिलाते पिलाते सब कुछ से हैं? उसको हम दूध पिलाते अपने हाथों से। वो बंदर का बच्चा किसी को परेशान करता था? नहीं करता। कभी परेशान नहीं किया, ना किसी को कभी काटता था। अच्छा, अब क्या चाहते हो आप? हमें वो बच्चा चाहिए हमसे, या तो हमें मर जाना सही है, हमें बच्चा चाहिए। हमारी बेटी ने ना खाना खाया, वो मंदिर गई थी डालने। तो कब से रख रहे थे उस बंदर को आप अपने पास? 2 महीने हो गए। वो बंदर वाला आया था तो बंदर, ये बंदर नचा रहा था तो वो छोटा सा बच्चा रो रहा था, तो मुझे तो पालने की शौक थी तो मैंने उसे ले लिया। वो नहीं दे रहा था फिर भी मैंने जबरदस्ती ले लिया। मैंने कहा कि भैया आप नचाओगे इसे और मारोगे, दर्द हो गए, इससे अच्छा मुझे ही दे दो। फिर मैंने उनसे 3,000 रुपए में ले लिया और मुझसे बहुत लोगों ने मांगा भी पर मैंने किसी को भी नहीं दिया। तो तुम वन विभाग वाले कह रहे हैं तुम बेचना जा रही थी किसी? नहीं भैया, आप किसी से भी पूछ लो, मार्केट में जाके अल्फा में जाओ या फिर तुगलपुर में जाओ, कहीं भी जाओ। उसे साथ ही लेके जाते थे जहाँ तुम जाते? साथ ही रखती थी हरदम, किसी को भी नहीं देती। खाना वाना सब खिलाते थे अपने साथ ही, अपनी प्लेट में मंडी सुबह मंडी जाता सब जगह अपने साथ सुलाती थी बेड पे, जहाँ जिस जगह पे मैं सोऊंगी मेरे ऊपर सोती थी। तो वो कहाँ ले गए कुछ बताया? भैया बताया नहीं, रात को बहुत बुरी तरह से छीन के ले गए। तो तुमने खाना नहीं खाया बता रही? मैं नहीं खाऊंगी जब तक वो नहीं आएगी। तो बच्चे से इतना, वो बंदर के बच्चे से इतना लगाव कैसे हो गया? बोला नहीं था तुमने जब लेके जा रहे थे, मना नहीं किया क्या? बहुत मना किया था पर माने नहीं बोला। ग्रेटर नोएडा का एक वीडियो रात वायरल हुआ था जिसमें जो वन विभाग के लोग हैं और पुलिस एक बंदर के बच्चे को छीन कर ले जा रही थी और जहाँ एक महिला बिलक बिलक कर रो रही थी और छोटा बच्चा भी रो रहा था। हम उस जगह पर ही पहुँचे, अल्फा 2 की वो जगह, एक बार आप देख लीजिए पहले इस जगह को। और आरोप ये लगाया गया था कि ये लोग उस बच्चे को बेचने वाले थे, लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि अभी तक भी ये लोग यहाँ पर रो रहे हैं। जैसे हम पहुँचे तो हमसे हाथ जोड़कर ये लोग कहने लगे कि हमारे उस बच्चे को दिलवा दिए, पिछले 3 महीने से उसको अपने घरों पर ये पाल रहे थे। आप एक बार देख लीजिए किस तरह से रो रहे हैं यहाँ पर। क्या 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 नाम था उसका? हमने भवानी नाम रख रखा है भैया, मुझे उसको संकट पे मैंने पाल लिया, मैंने
मुझे उसको दिलवा दे भैया, आपके सबके हाथ जोड़ रही है, पूरे भारत के सामने मैं हाथ जोड़ रही। तो रो रो के देख लीजिए, सब लोगों से अपील भी कर रही है कि उसको दिलवा दे। आप देखिए यहाँ ये चूल्हा बना हुआ है, आप घर की हालत देख सकते हैं, लोग कबाड़ा बीनते हैं और उसके बाद अपनी जीविका को चलाते हैं। वो जो बच्चा था जिसको भवानी इन्होंने नाम दिया था, उसको अपने साथ रखते थे। बेटी है जो उसको लेकर के आई थी और इसी के साथ हमेशा वो रहता था। क्या नाम बेटा आपका? अभिलाषा। अभिलाषा, क्या कब लेके तुम आए थे उसको और क्या नाम रखा था, किस तरह से रखते थे अपने साथ उसको? मैं उसको अपने बहन भाई और अपने परिवार से ज्यादा चाहती थी, और मैंने एक मदारी से खरीदा था क्योंकि वो खेल दिखवाता था, और मैं नहीं चाहती थी क्योंकि वो छोटा सा बच्चा था, उसे कोई दर्द हो, इसलिए मैंने उसे खरीद लिया था। और इसे अपने घर परिवार सबसे ज्यादा प्यार देती थी, अपने साथ रखती थी, हर वक्त जहाँ जाती थी अपने साथ लेके जाती था ताकि कोई कुछ कहे ना। क्या क्या नाम रखा था आप लोगों ने? मैंने उसका नाम भवानी रखा था, और वो मैं उस नाम से सुनती भी थी। आपने मना किया था जब लेके जा रहे थे पुलिस वालों को? और मैं उनको सबको बहुत मना किया, किसी ने सुनी नहीं, और पुलिस वालों के साथ जो लेडीज आई थी उनने मम्मी को बहुत मारा भी है। तो लोग कह रहे थे कि आप लोग उसको बेचने वाले थे? नहीं भैया, हमने बेचने की कभी सोची भी नहीं थी, बेचने की तो बहुत दूर की बात है, हमने उसके गले में पट्टा डालने की भी नहीं सोची कि उसे कभी बांध के रखेंगे। बिना वैसे ही रहता था, बिना बंधे? हाँ, बिना बंधे रहते थे। हम ये कहते थे कि अपनी जिंदगी से भी जीने तो बांध के क्या फायदा है, किसी जानवर को बांधने से अच्छा उसे खेलने दो, कूदने दो, बांध के कितने दिन जिएगा बेचारा। अब आप लोग क्या चाहते हैं? भैया मैं अपना बंदर चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती। अगर मुझे बंदर नहीं मिला तो मेरे साथ जो होगा वो सोच भी नहीं सकता कोई, ना वो पुलिस बचा पाएगी मुझे ना कोई और। यहाँ जो लोग हैं हमने उनसे पूछा भी, वो बता रहे थे कि घर में खाना भी नहीं बना, किसी ने रात खाना नहीं खाया, किसी ने नहीं खाया, पूरी रात रोई हूँ मैं, बहुत मुश्किल से नींद आई थी उसके भी घर। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ दरअसल सूचना दी गई थी कि उस बंदर को बेचा जा रहा है, कुछ लोगों ने शिकायत की थी, लेकिन शायद यहाँ आकर लग नहीं रहा कि उसको बेचा जा रहा हो, क्योंकि जिस तरह से इनका प्यार दिख रहा है उस जानवर के लिए एक अलग तरीके का है। यहाँ मौजूद जो लोग थे उनसे भी हमने बातचीत करी, उन लोगों ने बताया कि ये अलग तरीके से उसको रखते थे, एक परिवार का जैसे सदस्य होता है उस तरह से रखा जाता था। लेकिन ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहने वाले लोग जो पशु प्रेमी होने की बात करते हैं, उन लोगों से ये प्यार देखा नहीं गया और उन्होंने पुलिस पर इस चीज़ का दबाव बनाया, जिसके बाद पुलिस यहाँ आई और इनसे उस बच्चे को छीन कर ले गई। पूरी रात इन लोगों का दावा है कि यहाँ पर खाना तक इन लोगों ने नहीं खाया है, और इनकी अब अपील है और ये सब लोगों से अपील कर रहे हैं और आपसे भी अपील कर रहे हैं कि इनको इनका वो बंदर का बच्चा जो भवानी है उसको वापस दिलवाया जाए। वहाँ मौजूद पड़ोसियों ने बताया कि ये लोग पूरा दिन उस बंदर के बच्चे के साथ ही रहा करते थे, उसके लिए अलग से दूध भी लाया जाता था। साथ ही परिवार वालों ने बताया कि रात से किसी ने भी घर में खाना तक नहीं खाया, सभी का उस बंदर के बिना रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि वह बंदर नहीं, उनके परिवार का सदस्य था जिसका उन्होंने नाम भवानी रखा था। गुहार लगाती महिला ने बताया कि हम उसको बेचना नहीं चाहते थे, हम तो उसको अपने हमेशा साथ ही रखते थे, किसी ने झूठी सूचना दी और उसके बाद पुलिस हमसे वो बच्चा छीन कर ले गई। अब ये लोग गुहार लगा रहे हैं कि उनको कैसे भी यह बंदर का बच्चा वापस मिल जाना चाहिए। घर की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। ग्रेटर नोएडा से टाइम 24 न्यूज के लिए भूपेश प्रताप की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।